सब सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके की कढ़ी। आपने पकोड़े की कढ़ी खाई होगी, बैंगन की कढ़ी खाई होगी। आज हम आपको बनाने जा रहे हैं आलू और मिर्ची की कढ़ी, जो बिल्कुल नई रेसिपी है और एक बार आप जरूर इसको ट्राई करें। इसकी सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बटर मिल्क, 2 उबले हुए आलू, 4-5 उबली हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बेसन, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, जीरा, हींग, मेथी दाना और कुछ कड़ी पत्ते और नमक अपने टेस्ट के अनुसार। हाँ फ्रेंड्स, आइए हम ये कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में बटर मिल्क ले लेंगे, जिसको हम मही भी बोलते हैं। अगर आपके पास बटर मिल्क ना हो तो आप दही का यूज कर सकते हैं। दही में पानी डाल के आप सुबह ही रख दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के, तो वो खट्टा हो जाएगा एक आधे घंटे पहले। अब एक बाउल में बटर मिल्क लेके इसमें हमारे उबले हुए आलू और जो मिर्च ली थी उनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में करके और इसमें डाल देंगे। इनको डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे बेसन, जो मैंने लिया है 3 टीस्पून। आप अच्छा भर भर के ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिलाइए। इतना अच्छे से मिलाना है कि बेसन के लम्स उसमें ना पड़े, इसलिए इनको अच्छे से, आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। हाँ फ्रेंड, अभी हमारी अच्छे से बेसन, आलू और मिर्च तीनों चीज़ें बटर मिर्च में अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे आप चाहें। हाँ फ्रेंड्स, अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख के उसमें 2 टीस्पून घी डालिए। शुद्ध घी में कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो घी को गर्म होने दीजिए। तो हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे घी, 1 चुटकी घी डालेंगे। अब इसमें जाएगा जीरा, मेथी दाने का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। मेथी दाने के डालने से इस कढ़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। इसी के साथ डालेंगे 3-4 कच्चे कड़ी पत्ते, इसको मीठी नीम भी बोलते हैं। मीठी नीम के बिना तो कड़ी बन ही नहीं सकती है, तो आप सभी जानते हैं। सबको अच्छे से देख लीजिए, आपको अलग से खुशबू आने लगेगी। जैसे ये हो जाए उसके बाद में आपको जो आपने बटर में और आलू मिर्ची बेसन का घोल तैयार करके रखा है उसको धीरे से, जैसे ही खुशबू आ जाए इसमें मेथी दाने कड़ी पत्ते की, वो घोल में डाल दीजिए। पर आराम से सावधानी से, क्योंकि आपको लगे ना उससे ना पानी, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें हम। अब इसको जब तक हिलाते रहना है तब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो हमारा बटर मिल्क फट सकता है, हमारी कढ़ी फट जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसको हिलाते रहिए और साथ में आपके मसाले जो हमने निकाल के रखे थे वो डाल दीजिए, जैसे हल्दी 1 टीस्पून, जो मैंने आपको बताया था, गरम मसाला और लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मेरे यहाँ थोड़ा तीखा खाते हैं इसलिए हरी मिर्च भी हो चुकी है पहले, तो लाल मिर्च आप सोच समझ के डालें और नमक टेस्ट के अनुसार डालें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको उबाल आने तक ऐसे ही मिलाते रहिए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब हमारी कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है, ये सही। अब आप इसको इस टाइम पे 2 मिनट के लिए ढक कर पका लीजिए, जिससे कि जो हमारा बेसन था वो अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के लिए फिर आपकी कढ़ी गर्मा गर्म तैयार है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब हम इस कढ़ी को चेक करेंगे, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा हटके है ये कढ़ी, जैसे कि उबले हुए आलू और हरी मिर्ची की, जो मैंने पहले से उबाल के रखे थे। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये पकौड़े की कढ़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये बन चुकी है, आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये राइस के साथ भी अच्छी लगती है, चपाती के साथ भी अच्छी लगती है,